और गाइस लाइट जा चुकी है भाई भाई क्या हो गया ये क्या हो गया मतलब रात के टाइम पे वहां पर आत्मा खड़ी होती है और वहां से लगता है अदालत मतलब धर्मराज भगवान की अदालत लगती है और मतलब गाइस आवाज सुन रहे हो आप ये भाई भाग 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 आज मैं आपको पता है स्नीक आउट मारने वाला हूँ फिर कैसा लग रहा है बहुत बेकार क्यों ऐसे ही मुझे पसंद नहीं रात को कोई बाहर जाए चलो ठीक है गाइस चलते हैं और स्नीक आउट हो चुके हैं वो अपनी दी हेल्प कर रहे हैं हमारे स्नीक आउट में दीदी कर रहे हैं ना पूरी हेल्प चलो गाइस चलते हैं यहाँ से दरवाजे की और क्या मम्मा आ गए मम्मा आ गए वो नहीं गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए और बाहर भी मेरे को लगता है अभी जाग रहे हैं कुछ ताऊ जी वगैरह दिख रहे हैं मुझे ताऊ तो यार मम्मी तो नहीं आए मम्मी नहीं आए क्या हो गया तू भी क्या हुआ ताऊ जाग गए फिर ताऊ जाग गए मज कुछ नहीं होता ताऊ नहीं बोलेंगे कुछ भी ऐसे गाइस मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आखिरकार मतलब आपको पता है डॉक्यूमेंट्री वीडियो पे हमारी वॉक चल ही रहा है और उसी के साथ साथ मैं सोचा ब्लॉग कर लूँगा और किसका हेलो हेलो हाँ बस आ रहा हूँ भाई जरा जाग के मैं ताऊ वगैरह ना ताऊ वगैरह बाहर है तब जरा आ रहा हूँ मैं ठीक है तो गाइस मतलब ये जो मेरा फ्रेंड है वो मेरी हेल्प कर रहा है आज के ब्लॉग बनाने में और ये मेरे को फ़ोन कर रहा है कि मतलब भाई तू कहाँ पे पहुँचा फिर मैंने इसको बताया कि मतलब ताऊ जी वगैरह जागे हुए तो स्नीक आउट करेंगे प्रॉपर तरीके से किसी को बंदा पता भी नहीं लगने देंगे तो दीदी फिर आप दरवाज़ा खोल वगैरह टाइम बता दो मेरे को कितने बजे तक देखो टाइम हो रहा है गाइस इस टाइम 9:53 तो कितने बजे तक टाइम दे रहे 11 बजे तक ना तो इसको देखने दो यार कोई दिक्कत नहीं है पर 11 बजे तक तो दे रहे ना टाइम तो चलो गाइस चलते हैं हम भी 84 की ओर गाइस मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 9:53 से कोशिश कर रहा हूँ घर से निकलने की पर इस टाइम 10:01 हो चुके हैं पर अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ तो जैसे ही मतलब अभी जागे हुए हैं घर वाले काफ़ी तो मैं देख रहा हूँ कि जब वो सो जाएंगे तब निकलूँगा मैं यहाँ से तो उनका वेट कर लेते फिर चलते फिर मैं आपको बताता हूँ और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस टाइम दिन का टाइम है तो मैं आपको ज़रा ऑनलाइन ही चेक करके बता देता हूँ सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल का फ़ोन का मोबाइल डाटा भी ऑन कर लिया तो गूगल में जाते हैं और इस टाइम टाइम लिखते हैं लाइफ टाइम इन इंडिया तो गाइस इस टाइम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 10:02 PM सैटरडे 21st August 2021 टाइम्स इन इंडिया तो आप देख सकते हैं मतलब टाइम वही हो रहा है रात के PM मतलब रात के 10:02 हो रहे हैं तो जैसे ही मेरा निकलने का होता है तो मैं आपको बताता हूँ फिर फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ और जूते वूते पहनते हैं फिर चलते हैं यार आगे की और सो गाइस 84 पहुंच के सबसे पहले तो वेलकम टू भरभौरी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं भाई आज और भाई क्या है भाई हेलो तो भाई बताओ फिर आज का क्या क्या प्लान रहने वाला है हमारा भाई आज का प्लान है भाई बर्नआउट मारेंगे नाइट आउट ब्रो बर्नआउट भी मारेंगे और बहुत कुछ करेंगे और रात को आप 84 वगैरह कैसी होती है आप सभी को पता ही है कितना मतलब खतरनाक यहाँ पे वन एंड ओनली वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंदिर है धर्मराज जी का तो आज एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल करेंगे एक्सप्लोर भाई आज आपको पूरी 84 टेम्पल का एक्सप्लोर नाइट और फर्स्ट टाइम किसी ने नाइट में किया है फर्स्ट टाइम है ना तो भाई फिर चलो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं एक और फ्रेंड का वेट करना ना हाँ एक और फ्रेंड आ रहा है अभी हमारे साथ क्योंकि जितने ज्यादा बंदे रहेंगे अभी भी है 84 में भाई थोड़े बंदे ना थोड़े बंदे हैं बहुत हैं अभी पर हम खाली होने देंगे तब तक हम व्लॉग स्टार्ट नहीं करेंगे और आप देख सकते हैं और इनको ना ऐसा ना लग रहा हो ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और रात मतलब कोई सुबह का टाइम है ये तो आप गाइस टाइमिंग बता दें हाँ टाइमिंग बता देते हैं भाई जरा आप ही बता दो खुद ही भाई टाइम है तेरा 10:22 हाँ आपको डेट भी दिख रही होगी साथ में 21 अगस्त भाई फोन टूट गया यार भाई बहुत ही ज्यादा यार बंदे टूट गया और गाइस ये शिवजी मंदिर है और अगर सुबह का टाइम होता तो आपको पता है मंदिर खुला होता है और बाकी नाइट का कुछ इस टाइप में मतलब व्यू आता है 84 मंदिर का तो मतलब जब तक जब खत्म हो जाएंगे यहाँ पे लोग आना जाना तब से करेंगे व्लॉग स्टार्ट ना बिल्कुल और सारे मंदिरों में लेके चलेंगे आपको तो चलो गाइस चलते हैं फिर और गाइस लाइट जा चुकी है भाई भाई क्या हो गया ये क्या हो गया हमने सोचा था कि भाई लाइट होगी यार ये क्या हो रहा है पर भाई टाइमिंग चेक कर टाइमिंग कितने टाइमिंग पे लाइट गई है भाई टाइम हुए हैं तेरे 10:30 हुए हैं अभी तक
भाई लाइट कर लो जरा सी यार, 10:30 पर भाई लाइट चली गई यार। यार अब क्या होगा भाई, क्या सीन है ये भाई? अब तो मतलब लाइट बंद की है यार, गई नहीं है क्योंकि मंदिरों में है ये। हाँ भाई बिल्कुल गाइस फिर से लाइट आ चुकी लोग, द टेबल इज बैक, लाइट आ चुकी है भाई लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम दोनों भाई चुरासी में है और हमारे साथ ही भोलेनाथ का मंदिर है, ये तो आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा ही है। बिल्कुल और बस नाइट व्लॉग होगा आज पूरा, जितना मैं कवर कर पाऊंगा रात में, क्योंकि फिर सोना भी है घर जाके भाई ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के। जा भी रहा हूं भाई। ओ भाई हमारा जा रहा है फिर ब्रो, मिस यू यार, कब आओगे फिर वापस? भाई जल्दी आएंगे, अब तुम्हारे 27 को मेरे उधर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाने। अच्छा काउंसलिंग है? हां काउंसलिंग है ना, 27 को डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आपका भाई वापस आएगा फिर मोर। और क्या सरप्राइज रहेगा इनके लिए वो जो भाई आप ला रहे हो यहां पे? बिल्कुल भाई बिल्कुल सरप्राइज रहेगा वो, तो सस्पेंस है टाइप का गया। क्या बता मोटो ब्लॉग स्टार्ट हो जाए? बिल्कुल तो चलो गाइस आज के ब्लॉग को पूरा स्टार्ट कर दें फिर। तो चलो अब मेन टॉपिक पे जाके आपको मिलेंगे। गाइस इस टाइम पे हैं हम धर्मराज जी के मंदिर के पास, और मतलब ये जो है मंदिर है वो धर्मराज जी का है, और मतलब भरमौर में आरती के बाद भाई कोई आता भी नहीं है ना यहाँ पे, कोई भी नहीं आता ना भाई यहाँ पे आरती के बाद। और आपको मैं बता दूं एक टाइप से ना लोग इसको रिस्की समझते हैं यहाँ पे आने के लिए भाई, दिखती बात है वन एंड ओनली, मतलब पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ ये एक मंदिर है पूरा वर्ल्ड। भाई आप एग्जांपल के लिए ना एक हिमाचल ही ले लो, हिमाचल में भाई कितने डिस्ट्रिक्ट कितने तहसीलें हैं भाई, हिमाचल के वर्ल्ड में मंदिर ही नहीं है भाई आफ्टर डेथ का आपका। वर्ल्ड कितनी बड़ी चीज है भाई, कितना वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में मेरे को सिर्फ इन्होंने बताया था कि वो लाइक काशी में होता है ना इन्होंने। हाँ काशी में जो मतलब जो काशी में होता है उसका काल भैरव कर लेते हैं, और यहाँ का जो है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड का वो धर्मराज भगवान करते हैं। और आप देख रहे होंगे इन्हीं के साथ ये है चित्रगुप्त जी का मंदिर, और वो जो आप उल्टे पाँव के निशान देख रहे हैं भाई मेरे को तो लगता है नजदीक जाने में डर, सीधी सी बात, क्योंकि कहाँ जाता है रात, मतलब रात के टाइम पे वहाँ पर आत्मा खड़ी होती है, और वहाँ से लगता है अदालत, मतलब धर्मराज भगवान की अदालत लगती है, और मतलब आत्मा का जो लेखा जोखा होता है वो धर्मराज जी तय करते हैं, और उसी मतलब उसमें उनको नरक या स्वर्ग में पता नहीं कुछ ऐसा द्वार मिलता है। और मतलब बहुत रिस्की काम है यहाँ पर आना, पर हम सिर्फ आपके लिए आए हैं आपको बताने के लिए कि मतलब आखिरकार कुछ होता है या नहीं यहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि आवाज़ें वगैरह आती है, तो चेक करेंगे हम। बिल्कुल आती है भाई, बिल्कुल आवाज़ ऐसे बोलते हैं आवाज़ें वगैरह आती हैं। और साथ में ये गुरु महाराज जी कृष्णगिरि जी का मंदिर है, और मैं आपको सबसे यहाँ पे एक सबसे मिस्टीरियस चीज़ बता दूँ तो वो है ये वाली गुफा, और यहाँ पर लग चुका है ताला। हाँ भाई मेरे को भी किसी ने बताया था, मेरे को डर लग रहा है पता थोड़ा मेरे को खुद भाई यार इस साइड यार थोड़ा ना वही तो मेरे को कुछ ना नेगेटिविटी सी फील हो रही है। और ये जो गुफा है ना भाई थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। गाइस ऑडियंस के लिए भाई इतना ये तो कुछ नहीं है, इसके इससे ज्यादा भी कर सकते हैं हम, बस इस चीज के लिए चाहिए हमें सपोर्ट, सपोर्ट बस आपकी सपोर्ट होगी तभी आपको वीडियोस आएंगी मिलेंगी प्रॉपर, है ना सब कुछ। भाई जरा बताना मेरे को इसके बारे में, आप भी आपको भी थोड़ा पता ही है भाई, मेरे को तो फिलहाल है नहीं पता। लाइट लगा के देखे अंदर? ना भाई नहीं नहीं, इसके अंदर एक और है भाई, इसके अंदर एक और, ये तो बाहर का कवर है। तो गाइज मैं आपको लेके चल भी सकता हूँ यहाँ पे, मैं लाइट जरा ऑन कर लेता हूँ भाई, एक टाइप का कवर है भाई, करूँ बोल यार तो गाइज मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, पर आपको जो दिख रहा होगा वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कैमरा बहुत ही दूर से हैंडल किया हुआ था, क्योंकि मेरा और मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है भाई। और यहाँ पे कुछ ना नेगेटिविटी से फील, नेगेटिविटी से फील हो रही, क्योंकि मतलब ये कुत्तों का रात को भूकना, मतलब फोन आ रहे हैं ना एकदम से, कुछ हो रहा है सीरियसली गाइस। और ये साथ में कुत्ते वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी मतलब मैं गाइस इतना ही बोलना चाहूँगा, मतलब काफ़ी रिस्की है, काफ़ी रिस्की है। और भाई को मतलब मम्मी का फोन आ चुका है, क्या हो गया भाई? भाई घर से फोन आया था, क्या बोल रहे? आजा अभी तो आए हैं मतलब ब्लॉग करने के लिए। तो भाई फिर यार काफी नेगेटिविटी सी फील हो रही है यहाँ पर भाई, बिल्कुल यार। तो चलो यार बाकी चीजों को एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करते हैं फिर। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम यहाँ पे अपनी क्लिप्स को चेक कर रहे थे, तो हमें अभी आवाजें आई हैं यहाँ पे, देखते हैं बाबा जी हैं यहाँ पे, चलो बाबा जी को देखते हैं। बाबा जी हैं भाई यहाँ पे रह रहे ना भाई? बाबा जी तो हैं, पर आवाज कुछ भाग भाग भाई भाग 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 भाई। और गाइस आवाज सुन रहे हो आप? गाइस आवाज सुन रहे हो आप? ये
ए भाई महाकसम, भाई महाकसम कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, कोई किटी वगैरह नहीं है भाई, कसम से सही में आवाज़ सुनाई दे रही। तो बहुत से लोग बोलते हैं मतलब रात को 84 में आना इतना रिस्की है कि आप मतलब चक्कर भी नहीं लगा सकते, कुछ घूम भी नहीं सकते यहाँ पे जरा भी। तो ऐसा यार कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान मतलब हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो मतलब हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी होने देंगे। तो ये मतलब अंधविश्वास हटा देना कोई भी अगर 84 मंदिर के बारे में ये सोचता है तो, और कुछ भी नहीं हो रहा है नॉर्मल है। हम सोचते हैं कि कुत्ते भौंकना भी एक अपशगुन माना जाता है। हाँ भाई ज़रूर यार। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम कहाँ थे, 84 मंदिर में पहुंच गए हैं। और 84 मंदिर में पहुंच के एक मिनट भाई, एक मिनट अरे भाई कर लो कर लो, एक मिनट दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है। अभी हम हमारा जिगरी यार आ चुका है। हेलो भाई वेलकम, हेलो भाई ब्रह्मोरी व्लॉग्स, क्या हाल है भाई ब्रह्मोरी व्लॉग्स? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ये कुत्ते आ चुके हैं यार यहाँ पे पता नहीं क्यों, पर इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ भाई नहीं यार प्लीज मत बुलाओ यार इनको, मत बुलाओ भाई प्लीज यार, मत बुलाओ भाई प्लीज यार। ठीक है भाई, ओके ओके भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भाई। तो चलो भाई हम भी चलते हैं घर की तरफ, और ऊपर तो यहाँ पे कोई दिखे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो यार, तो 84 दिन का एक बार मत्था टेक के चलो बढ़ते हैं। और मतलब आवाज़ें वगैरह काफ़ी आ रही इस टाइम पे, और इतना मतलब सन्नाटा छाया हुआ है इस टाइम पे पूरे गाँव में, देख सकते हैं आप। तो मतलब भाई पूरा फुल ऑन ब्लॉक के साथ, और मतलब इतना डर लग रहा है इस टाइम जाने में भी, क्योंकि रात को मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। और ये हमारी कुल देवी माता मंदिर का मंदिर है, माता चामुंडा का, मतलब गांव की जो देवी माना जाता है, जो गांव की रक्षा करते हैं हर टाइम पे। और चलो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, तो जला ही लेता है यहाँ टॉर्च को। तो भाई इस टॉर्च को जला लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को डर लग रहा है कोई पीछे का। तो चलो और भाई मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं बताने लायक, बाकी देखते हैं यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है फ्लैश में। तो चलो यार, काफ़ी आवाज़ आ रही है, मतलब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है इस टाइम पे पूरे मतलब गांव में, और मेरे को काफ़ी डर लग रहा है जाने में। तो दीदी को भी पूछूंगा मैं घर में कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई उसको, और घर पहुँचने ही वाला हूँ भाई, जस्ट मतलब थोड़ी सी अब तो दूर रहा है, ये नीचे जो घर है हमारा ही है। और यहाँ पे जाके हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई झाका हुआ है इस टाइम पे क्योंकि लाइट वगैरह जली हुई है अंदर। तो है अंदर चलते हैं हम भी घर की तरफ, और दीदी को बोलता हूँ, दीदी फिर दरवाज़ा वगैरह खोल देंगे। गाइस बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है गाइस मेरे को। अब तो चलो थोड़ा घर में पहुँच गए तो थोड़ा मैं रिलैक्स भी हो गया, बाकी काफ़ी डर लग रहा है मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा। और बाकी मैं घर में पहुँच चुका हूँ गाइस, तो जूते वगैरह खोलते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम घर पे, और जूते वगैरह खोलते हैं आप। सो गाइस मैं रूम भी खोल चुका हूँ इस टाइम पे, और वो दीदी है सोए हुए। चलो दीदी से पूछता हूँ जाके, मैं लाइट ऑन कर लेते हैं जरा रूम की। तो दीदी यार कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मतलब कोई मम्मा वगैरह आए तो नहीं पक्का? और मैं जल्दी आ गया ना टाइम पे थोड़ा, तो ठीक है दीदी फिर इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर दे। एंड आई होप आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब। और टाइम क्या हो रहा है इस टाइम बता दो जरा इनको, फोन में चेक करके जरा। 11:15। पूरी 84 को एक्सप्लोर किया पर कुछ मिला ही नहीं दीदी हमें बताने लाइक, मतलब पूरी 84 में कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, मतलब 2-3 इंसिडेंट हुए हमारे साथ। ए कुत्ता भौंक रहा था एक मतलब गेट के पास देख के सामने, और एक मतलब आवाज़ सी अजीब सी आवाज़ आ रही थी बस, वो हुआ बाकी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ तेरे को?